So hello friends, today we will discuss about the degree of association L. ठीक है ये आपकी degree of association हो सकती है ठीक है तो बहरहाल degree of association जैसे आपका मान लीजिए a की power n है ये आपका n में dissolve हो रहा है ठीक है तो इसमें जब इसका एक a n का कुछ part dissolve हो गया होगा कुछ part dissolve नहीं हुआ होगा तो उसी का हम लोग डिस्कशन करते हैं इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ठीक है नॉर्मली क्या होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट दो तरीके के होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक ठीक है स्ट्रॉन्ग जो होते हैं आपके पूरे आयनाइज हो जाते हैं वीक जो होते हैं कुछ ही पार्ट आयनाइज होते हैं जैसे आपका मान लो NOH HCl NaCl वीक में आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक एसिड एक्सेट्रा ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट है इनमें कुछ पार्ट डिसोसिएट होता है तो अल्फा को हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है दैट इज बिफोर डिसोसिएशन ठीक है ये आपका मतलब या इसको आप आयनाइजेशन भी कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपकी केमिकल काइनेटिक्स में आयनिक इक्विलिब्रियम में और केमिकल इक्विलिब्रियम काइनेटिक्स आयनिक इक्विलिब्रियम और आपका सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अप्लाई होती है सारी चीजें और इसके साथ आप एक चैप्टर और जोड़ ले थर्मोडायनेमिक्स तो मेरा मानना यह है कि ये सारे चैप्टर आप लोगों को इतने ही पढ़ाने चाहिए यदि इंडिया में चूंकि हम लोग पुराना ट्रेडिशन ही फॉलो कर रहे हैं इलेवेंथ का ट्वेल्थ का कुछ चैप्टर इलेवेंथ में डाल दे कुछ ट्वेल्थ में लेकिन यदि ये चैप्टर हम लोग इकट्ठे पढ़ाए तो आपका एक महीना बच जाएगा उसके अलावा बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो इनके कॉम्बिनेशन पर बनते हैं दो दो तीन तीन चार चार चैप्टर मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया तो उनको भी आप सॉल्व करना आसान थोड़ा सा होगा और आप उनको भी अप्रोच कर पाए ठीक है इसलिए ये चैप्टर एक बार में ही फिनिश करने की कोशिश करनी चाहिए तो बहरहाल अल्फा जो है आपका कंसेप्ट ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इन सब जगह पर अप्लाई होगी तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइड Sodium chloride crystals are held together by attractive forces between the positively charged sodium and negatively charged chloride ions. When a crystal of sodium chloride is placed into water, the hydrogen ends of polar water molecules attract the negatively charged chloride ions and gradually surround them. Likewise, the oxygen ends of water molecules are attracted to and surround the positively charged sodium ions. The hydrated ions drift away into the solution, allowing new water molecules to surround newly exposed ions. Gradually, the entire crystal dissociates into solution. तो ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है इसके लिए हम लोग जो है एक सिंपल जो एक्सप्रेशन बनाते हैं जैसे t बराबर 0 मतलब जब स्टार्टिंग हुई थी ये आपका अपर मोल था ठीक है अभी कंटेनर का वॉल्यूम भी हम 1 लीटर ही चलो ना भी मान और इसमें से कुछ पार्ट डिसोसिएट हो जाता था ये 1 माइनस अल्फा हो जाता है और एन ए कितना बनेगा एक मोल पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता तो इसके एन मोल बनते ये क्या बन जाएगा आपका एन ठीक ये आपका एट इक्विलिब्रियम
आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एक ही बात है। डिसोसिएशन मतलब आयंस में टूटे या मॉलिक्यूल्स में टूटे, और आयनाइजेशन मतलब आयंस में टूटना, तो दोनों सेम ही तरीके से यूज होती है। और मान लो आपने इसकी मोलैरिटी सी ले ली होती, इसका मतलब क्या होता कि सी मोल्स आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। सी मोल्स 1 लीटर में डिसॉल्व है, तो सी में 1 मोल में से अल्फा टूट रहा है, तो सी में से कितना टूटेगा, सी माइनस सी अल्फा टूटता, तो रिमेनिंग कितना बचता, सी माइनस सी अल्फा, ये आपका क्या बनता, एन सी अल्फा, ठीक है। और इसमें से सी कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा, और ये आपका एन सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक्सप्रेशन, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का, इस मेथड का बहुत ही यूज आप इन केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स में। तो इसलिए इस टर्म को थोड़ा सा क्लियरली समझ लीजिए, ठीक, कि भाई इससे आपका ऐसा हो रहा है तो कैसा होगा। अब मान लो एसोसिएशन हो रहा होता कि आपका एन ए चेंजेस टू ए की पावर एन बन रहा होता एसोसिएशन, तो क्या करते आप, ये 1 माइनस 1 होता, पी बराबर 0 पे ये 0, ये 1 माइनस अल्फा, ये क्या बनता आपका अल्फा वाई है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। यहां पर यदि आप इसके सी मोल्स लेते ये क्या बनता बचता आपका सी 1 माइनस अल्फा, रिमेनिंग बन ये सी अल्फा वाई एन बनता, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। जैसे मान लीजिए आपका एक सॉल्ट होता AXBY, ठीक है, इस पर हम ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक्सप्रेशन लगाते, और मान लो ये एक्वस स्टेट में है, और ये आपका आयन देता है A पर कितना चार्ज होता, पॉजिटिव, B पर नेगेटिव होता, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से ग्रुप फॉर्मूला बनता है वैलेंस इसकी, और इसके आपके एक्स मोल आते हैं और इसके वाई मोल, ठीक है। तो टी बराबर 0 पर हम लोग ये एक्सप्रेशन लेते हैं, 1 मोल 0 ये 0 एट इक्विलिब्रियम, आपका ये 1 माइनस अल्फा, ये क्या बनता आपका एक्स अल्फा, ये क्या बनता आपका वाई, ठीक है। मान लो टी बराबर 0 पर आप उसकी सी मोलैरिटी लेते हैं, ठीक है, यानी सी मोल्स आर डिसॉल्व इन 1 लीटर, तो एक में से टूटा अल्फा, सी में से कितना टूटता सी अल्फा, तो रिमेनिंग कितना बचता सी 1 माइनस अल्फा, रिमेनिंग बचता, और ये कितना बनता आपका एक्स सी अल्फा, और ये वाई सी अल्फा। और आप मान लो ये भी सब एक्वस स्टेट में है, ठीक है, और आप इसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की बनाते, तो ए की पावर वाई एक्स, बी की पावर माइनस एक्स वाई ओवर ए एक्स बी वाई बना देगा, वैल्यूज रख दे हम लोग, तब तक क्या आएगा एक्स सी अल्फा पावर एक्स और वाई सी अल्फा पावर वाई ओवर सी 1 माइनस, ये आपका एक्सप्रेशन बनता, ठीक है, ठीक है। तो इन सब एक्सप्रेशन की मदद से ही हम लोग आगे जो है इनके क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, और इन्हीं सब अप्रोचेस को हम लगाते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का और डिस्कशन करेंगे कि और वॉन्ट ऑफ फैक्टर से रिलेशनशिप समझेंगे, और आपका जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के और भी रिलेशन है वेपर डेंसिटी से या मॉलिक्यूलर मास से, उनको समझने की कोशिश करें। इसमें क्या है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम में अप्लाई होती है, मोल में भी अप्लाई हो जाती है, और आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है बॉन्ड ऑफ फैक्टर में वहां पर, लेकिन ये कि अब सब तो अब हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर।
आई, ठीक है। वॉल्टॉफ ने ये टर्म ली थी और इसका बड़ा यूज करा गया जाता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमने सब्सटेंसेस के मतलब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करे थे, ये सब चीज़ें सॉल्यूशन में पूरा डिस्कस करते हैं, तो उसमें मतलब मॉलिक्यूलर मासेस कुछ गलत आ रहे थे। उसका रीज़न था कि डिग्री ऑफ आपका जो है आयनाइजेशन आपका हो जा रहा था सब्सटेंसेस का, ठीक है, ठीक है। तो आपका हमने वॉल्टॉफ फैक्टर टर्म बनाए, और हम लोग यदि कुछ गलत भी होता है तो उसका भी फायदा उठाते हैं। मान लो अमेरिका ने पर जो है ओसामा ने बम डाला था, इंडिया को उसका बेनिफिट मिला था, ठीक है, ठीक है, कि पाकिस्तान के जो फेवर में रहता था अमेरिका, अब वो इंडिया के फेवर में आ गया। तो वॉल्टॉफ फैक्टर के भी टर्म का हम लोग फायदा उठाया हमने, और उससे कितना परसेंट कोई सब्सटेंस आयनाइज हो रहा है वो सब पता नहीं। तो इसको बहरहाल डिफाइन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर साइंटिस्टों ने करा, आई इजिकल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास इजिकल्स टू ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ठीक है, मतलब ये आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है, दूसरी आप कह सकते हो कैलकुलेटेड कॉलिमेटिव प्रॉपर्टी और कॉलिमेटिव प्रॉपर्टी बिफोर या विदाउट डिसोसिएशन और एसोसिएशन, या आपकी क्वालिटेटिव हो जाती है, या नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन बिफोर और, ठीक है, ये आपकी जो है क्वालिटेटिव। तो जैसे आपका मान लीजिए ए की पावर एन है, ये चीज हुआ एन, ठीक, तो आपका टी बराबर जीरो और ये वन मोल था एट इक्विलिब्रियम, ये आपका वन माइनस अल्फा एन अल्फा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन आपके क्या हो जाएंगे, वन माइनस अल्फा प्लस एन, ठीक है, तो वन ऑफ फैक्टर आई क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा डिवाइड बाय 1, ठीक है, ये आपका वॉल्टॉफ फैक्टर यहाँ पर होता है। तो वॉल्टॉफ फैक्टर और इसमें रिलेशन आपका आ ही जा रहा है कि भाई आपका इसमें से आई माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू अल्फा
तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस वन ओवर एन माइनस वन। और एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने में भी ये टूट रहा है आपका एन, ठीक है, इससे हम अल्फा को निकाल लेते हैं। और जो है आपका आई जो है वो ग्रेटर देन वन हुआ, क्योंकि उसमें ऐड हो रहा था, उसको देखे थे डिसोसिएशन केस में, आई इज ग्रेटर देन वन इज इक्वल्स टू डिसोसिएशन, आई इज लेस देन वन इन केस ऑफ एसोसिएशन, और आई इज इक्वल्स टू वन नो एसोसिएशन। अब हम बॉन्ड ऑफ फैक्टर को एसोसिएशन के केस में डिस्कस कर सकते हैं, जैसे एन ए आपका एक पावर एन ए, पी बराबर जीरो पर क्या होगा, ये आपका वन मोल, ये जीरो, ये वन माइनस अल्फा, अल्फा बाई एन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, और वॉल्ट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन डिवाइड बाय, ठीक है, कि भाई आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने हो गए और पहले कितने बन गए। तो इसमें आई माइनस वन इज इक्वल टू 1 बाई एन माइनस वन, ये आपका अल्फा हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन, ये आपका एक्सप्रेशन तैयार है। अब जो है इसके बाद हम अल्फा का रिलेशन डेंसिटी से जुड़ेंगे, कि भाई एक डेंसिटी होती है बिफोर डिसोसिएशन, एक होती है आफ्टर डिसोसिएशन, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं, और एट कांस्टेंट प्रेशर तो उस हिसाब से वॉल्यूम का चेंज होता है, इसलिए डेंसिटी चेंज हो जाती है, तो उन दोनों की रेशियो से भी हम, तो हम लोग अब डेंसिटी और अल्फा के रिलेशन को डिस्कशन करें। कैपिटल डी इज द डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, और स्मॉल डी डेंसिटी आफ्टर, और हम लोग ये इक्वेशन मान के चल रहे हैं कि भाई ए एक्स बी वाई चेंजेस टू एक्स ए प्लस बी वाई, ठीक है, ये हम इक्वेशन को बेस अपना मान के चलेंगे। तो टी बराबर जीरो पर ये वन मोल है एट इक्विलिब्रियम, वन माइनस अल्फा ये एक्स अल्फा और ये वाई अल्फा, ठीक है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन टी इक्वल्स टू वन माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मोल्स मान लो आप। तो डेंसिटी जो है आपकी स्टार्टिंग में इज इनवर्सली टू वन बाई बी ले लेते हैं वॉल्यूम के इनवर्सली, और बाद की जो डेंसिटी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, वन माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा इंटू बी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों की रेशियो बनाते हैं, तो कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी इज इक्वल टू वन माइनस अल्फा प्लस आपका एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, ठीक है, ये आपकी डिवाइड बाय वन, ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन डी या माइनस वन ले आए, उसके बाद इसको इस फॉर्मेट में ले लिया और इसको हमने चेंज करा एक्स प्लस वाई माइनस वन चेंज टू अल्फा, ठीक है, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपने क्या रख दी, वन रख दी, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी ओवर डी इज इक्वल टू डिवाइड बाय एन माइनस वन इज इक्वल टू एन, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर लेते हैं।
और जरूरत पड़े तो एसोसिएशन में भी ये बात आप लगा लीजिएगा, बस वहां पर एसोसिएशन का नीचे लगेगा, एसोसिएशन का नंबर आप बोर्ड से लगाएगा या फिट करिएगा, डेंसिटी आप उसी तरीके से। तो इस पर बेस्ड अब कुछ आसान से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन की कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो किसी कंसेप्ट को क्लियर हुए मगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों में कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसी कंसेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। और न्यूमेरिकल्स तो मैं लिख रहा हूँ, आप प्लीज इन्हें पहले पॉज करके कुछ सॉल्व करें। तो ये जो क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड एंड लैक्टोजाइजेशन व्हेन डिसॉल्वड इन बेंजीन और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज फाउंड टू 120 व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिलेशन इज कैपिटल डी आपका ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी या स्मॉल डी आपकी थ्योरेटिकल डेंसिटी है। तो इसमें आप जैसे ये एसिटिक एसिड है तो अब आप इसको आगे सॉल्व करिए, तो आपका जो है कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, ठीक है, और ये माइनस डी कर दिया जाए आपने और इक्वल्स टू आपने इन दोनों में से क्या लेंगे कॉमन, 1/2 माइनस 1 हो जाएगा अल्फा भाग, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस 1/2 अल्फा इक्वल्स टू डी माइनस डी ओवर डी। तो माइनस हटाने के लिए इसको उल्टा कर देते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी माइनस डी कैपिटल डी ओवर डी और टू डी मल्टीप्लाई। ये कौन सा ऑप्शन है आपका, तो आपका इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन है आपका, दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। सो ये आपका क्वेश्चन है कि 20% N2O4 मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड इन ए सैंपल ऑफ गैस एट 7 डिग्री सेल्सियस एंड 760 टॉप एंड मिक्सचर हैज द डेंसिटी इक्विलिब्रियम इक्वल्स, ठीक है, आपको निकालना है। तो आप लोग गैसेस इक्वेशन से फार्मूला जानते हैं PM इक्वल्स टू DRT, ठीक है, यहाँ पर हम कैपिटल डी निकाल लेते हैं क्योंकि दैट इज द डेंसिटी बिफोर एसोसिएशन। तो आपका N2O4 जो है ये आपका NO2 में चेंज हो रहा था, ठीक है, तो आपका इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा आपका 24 plus 64 = 92। तो आप 760 टॉर को इससे डिवाइड कर दीजिए 760 से, एम जो है 92 रख दीजिए, डी निकालना है, आर 0.0821 रख दीजिए और डी जो है आपका 300 रख दीजिए, कैपिटल डी आ जाएगा आपका। और आप ये रिलेशन जानती है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू एन माइनस वन इजिकल्स टू अल्फा और अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी 20% है, यानी अल्फा इजिकल्स टू 0.2, अल्फा की वैल्यू 0.2 रख दीजिए, एन की वैल्यू 2 रख दीजिए, ठीक है, और कैपिटल डी की वैल्यू ये रख दीजिए, स्मॉल डी को निकाल लीजिएगा फॉर्मूले में रखें, तो डी की वैल्यू रहेगी आपकी। का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है डिग्री ऑफ एसोसिएशन पर और IIEEE 2008 में आया था इस क्वेश्चन में, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ KP1 एंड KP2 फॉर द रिएक्शन x चेंजेस टू 2y एंड z चेंजेस टू P+Q रेस्पेक्टिवली आर इन द रेशियो 1:9, इफ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ x एंड z बी इक्वल, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ टोटल प्रेशर एट दीज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मतलब ये है कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन से हम KP या प्रेशर का किस तरीके से रिलेशन जोड़ते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके आप कोशिश कीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख ही सकते हैं बाद में। तो इसमें क्या है कि आपका x चेंजेस टू 2y है और z चेंजेस टू P+Q है,
मान लो ये आपका P1 प्रेशर पे था 1 kbar, ये P2 प्रेशर पे था, ये आपका 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस अल्फा और ये आपका अल्फा और ये आपका अल्फा। तो KP1 एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका, इसका मोल फ्रैक्शन ले ले y का, 2 अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा इनटू P1 का स्क्वायर ओवर आपका ये 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा इनटू पी। और इसी तरीके से आपका KP2 आपका अल्फा और P2 ओवर 1 प्लस अल्फा, ठीक है, इनटू अल्फा P2 ओवर 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय। तो ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जिसमें KP1 की वैल्यू आपकी ये थी, ठीक है, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा मोल फ्रैक्शन हो गया, और उसमें प्रेशर की मल्टीप्लाई करी तो ये पार्शियल प्रेशर हो गया वाई का, पावर स्क्वायर कर दी और इसमें 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा P1 कर दिया और आपका जो है इसी तरीके KP2 में लगा दिया हमने, ये आपका सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कटने के बाद आपका 4P1 अपॉन 1/9 टू P2 बचेगा, जो KP1 और KP2 भी हमें 1/9 रेशियो दे रखी है और इससे P1 ओवर P2 1/36 आ जाएगा। तो आपका सी बी जो ऑप्शन है दैट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आपको एक मन में आ सकती है बात, यहाँ पे 2 अल्फा और यहाँ अल्फा अल्फा तो रखा, ये हमें मानना पड़ेगा, इसको आप y को y प्लस y नहीं रख सकते, ठीक है, ठीक है, y प्लस y रखेंगे तो वो गलत हुआ। तो एक बड़ा मतलब अच्छा क्वेश्चन है और इससे मतलब इस तरीके से IIT जो है क्वेश्चन पूछती है और यही इंडियन एजुकेशन सिस्टम की ब्यूटी है जिसमें आपको एक ही चीज को कई तरीके एंगल से सोचना आ जाता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, 1 लीटर ऑफ वाटर कंटेंस 10^-7 मोल ऑफ HIN डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, क्या इसी का हम यूज जो है आपका वाटर का आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करने में करते हैं, इसी डाटा का हम यूज, ठीक है, इसी डाटा पर बेस्ड क्वेश्चन आज का IIT में। तो इस क्वेश्चन का एक सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको परसेंटेज में बताया, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आयनाइज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन बिफोर डिसोसिएशन, या आयनाइज आपके 10^-7 आयनाइज हो रहे हैं और आपने कितने लिए थे टोटल मोल्स, 1 लीटर है, 1 लीटर वाटर का मास कितना होगा 1000 डिवाइड बाय 18, ठीक है, इसको आपका ये आ जाएगा 1.8 × 10^-9 और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज के लिए आप इसमें 100 की मल्टीप्लाई और कर दीजिए, आपका जो है ए अल्फाइजेशन ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज 1.8 × 10^-5, तो आपका एसिटिक एसिड है ये डिसोसिएट हुआ, तो इस पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको निकाल, ये भी टी बराबर 0 पर ये 1 मोल है, 0 एट इक्विलिब्रियम या आफ्टर आयनाइजेशन, ठीक, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, अभी भी आपने इसकी मोलैरिटी सी मिल गई, तो सी वो मोल्स पर लीटर है, 1 लीटर बढ़ जाओ और एट इक्विलिब्रियम ये कितना बचेगा, सी माइनस सी अल्फा, 1 मोल प्लस अल्फा, तो सी माइनस सी माइनस अल्फा, ये आपके सी अल्फा, दिस इज सी अल्फा, तो आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दें, K इज इक्वल टू आपका एसिटिक एसिड ओवर HIN ओवर CH3COH, सभी आपके एक्वस फेज में है, लॉ ऑफ मास एक्शन होगा, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए इज इक्वल टू C alpha × C alpha C1 minus alpha C2 C cancel
1.8 into 10 to the power minus 5 divided by 0.5.